क्या गिफ्ट आए हैं इस बार की वर्षगांठ पर। छाती बैंक, अरे मिल गया भाई, इस बार नहीं बचा, इस बार तो मिल ही गया। छाती बैंक, सबका साथी अपना छाती बैंक, 20 दिसंबर 2018, मुकेश दुबे। अरे ये तो मैं ही हूँ। 18 वर्ष पूर्ण करने की आपको हार्दिक बधाइयाँ। चूंकि आपने पिछले जन्म में छाती बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा किए थे, तो नियमानुसार आपको उसका 50%, यानी कि 50 लाख लौटाया जा रहा है। छाती बैंक को अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इससे संतुष्ट होंगे और हमको दोबारा अपनी सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद वीरेंद्र महाजन, CEO छाती बैंक। अरे लग गई, इस बार तो लग गई लॉटरी। है का चेक भी है, चेक भी है, मजाक नहीं है, चेक है, असली में है, 50 लाख मिल गए। लग गई लॉटरी, लग गई। क्या हुआ, फिर से वही सपने? 50 लाख। आखिर कब तक अपने 50 लाख का इंतजार करेगा? और अपनी मेहनत की कमाई कर और कुछ काम कर। और तुझे पता भी नहीं है पिछले जन्म में तुमने पैसे जमा किए भी हैं या नहीं, और मैं तो इन बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो अब कुछ कर भाई। तू सही कह रहा है यार, अगर उन सपनों में जरा भी सच्चाई है तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मुकेश दुबे कौन है? जी साहब, यस सर, मैं हूँ। बताइए क्या केस है आपका? जी 20 दिसंबर 2018 को मैंने छाती बैंक से उसके कामकाज का तरीका जानने के लिए उसके खिलाफ उस पर RTI फाइल की थी, लेकिन उसका जवाब आधा अधूरा मिलने के कारण मुझे उस पर PIL फाइल करनी पड़ी। अरे पाठक जी, कैसे हैं? जज साहब, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बढ़िया। अरे आप तो कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे आते ही नहीं हैं, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हमें। अरे जज साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आज समय था तो आ गए। अरे सर, केस के बारे में थोड़ी जानकारी कर ले आप। अरे क्या है भाई, ज्यादा गर्मी है, तमीज नहीं है, और ये क्या है सर पे? पहली बार आए हो कोर्ट में, उतारो इसको। सर पहली बार तो आए हैं। ताने कहाँ चले जाते हैं। सर मैं तो बस इतना कह रहा था केस के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। हाँ तो पाठक जी शुरू कीजिए। हाँ तो सर, जैसा मैं बोल रहा था कि महोदय जी RTI की बात कर रहे हैं, जिसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट आपको सौंप दी गई है, और ये मेरे क्लाइंट और उनके बैंक के नाम बारे में गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ लाइए भाई, श्याम सुंदर जी कॉपी लाइए। हाँ अरे पाठक जी, जो कॉपी सिर्फ मुझे ही दी गई है, जरा इनको भी पकड़ाइए, ये भी देखें इनके सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं इसमें। सर मैं देख चुका हूँ कॉपी। आपने कॉपी देख रखा है, उसके बाद भी आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं? जज साहब, RTI से हमने जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो ये थी कि छाती बैंक ये किस तरह से पता लगाती है कि जो व्यक्ति इस जन्म में छाती बैंक को पैसा जमा करता है, अगले जन्म में कैसे ये छाती बैंक पता करती है कि उसी व्यक्ति को पैसा दिया जाए। और इस बात का जवाब छाती बैंक ने इंटरनल पॉलिसीज की आड़ में छुपा दिया, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये साफ कहता है कि हर बैंक को अपना ट्रांजैक्शन मेथड की जानकारी देना अनिवार्य है। माननीय जज साहब, ये है ट्रांजैक्शन डिटेल्स की फाइल, इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप थोड़ा देख लीजिए। और मैं छाती बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चतुर्लाभ लिंगन को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ताकि वो कोर्ट में आकर एक्सप्लेन कर सके कि ट्रांजैक्शन होता कैसे। हाँ भाई, चतुर्लाभ लिंगन को बुलाया जाए। मैं गीता फोगाट की कसम खा के कहता हूँ, जब भी करूँगा दंगल ही करूँगा, दंगल के अलावा कुछ नहीं करूँगा। जी चतुर रामलिंगन जी, आप तो छाती बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपको इसका जानकारी होगा ही कि यहाँ ट्रांजैक्शन कैसे होता है। पता है,
क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि कैसे होता है ट्रांजैक्शन? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हर व्यक्ति का रेटिना एवं फिंगरप्रिंट स्कैन सेम होता है, उसी तरह हर व्यक्ति का एक ऑरिगा होता है जो कि कभी नहीं बदलता है। वो अगले जन्म में भी वही रहेगा, इस जन्म में भी वही है, वो कभी नहीं बदलता है। माय लॉर्ड, मैं छाती बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चतुर रामलिंगम से कुछ सवालात करना चाहूंगा। तो मिस्टर चतुर रामलिंगम, आप कोर्ट को यह बताने का कष्ट करेंगे कि ओरिगा क्या है? जी, आपके पास आधार कार्ड है? हाँ जी है। तो उस आधार के मदद से आपकी पहचान हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसका मतलब आपका आधार आपकी पहचान दूसरों से अलग है? हाँ जी अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबकी फिंगरप्रिंट, सबका रेटिना स्कैन अलग होता है। जी हाँ, जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन सबके अलग होते हैं, सबका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड डिजाइन होता है। उसी प्रकार ओरिगा जो बोले तो एक तरह का सारथी होता है जो कि सबके लिए अलग अलग होता है, सब किसी के लिए सेम नहीं होता है, सबके लिए अलग होता है, और वो हमारे इस जन्म से उस जन्म तक का भी रहता है। तब दुबे जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। जज साहब, मैं इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दूंगा, लेकिन साहब मेरे पास अभी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है साहब, मुझे कुछ वक्त चाहिए साहब। एक तो ऐसे तुम कोर्ट में इतना समय बर्बाद कर चुके हो, और मत करो भाई, केस की कमी नहीं है, आप एक फालतू केस बढ़ा रहे हो। जज साहब, महोदय जी के पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, इस केस को एक स्थगित कर दिया जाए। नहीं नहीं जज साहब बंद मत कीजिएगा सर, सर बस एक हफ्ता सर, एक हफ्ते की मोहलत नहीं, सर मत करूंगा, ये पता नहीं क्या मोहलत सर, सब गलत लगा रहे सर, ये धजनता नहीं कर रहा सर, सर 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 एक हफ्ता सर दीजिए भाई, सर एक हफ्ता दीजिए सर, एकदम नहीं कर दूंगा, ये सब गलत बोल रहे सर, ओरिगा का कांसेप्ट ही सही एक पाखंड पे आधारित है, अगर आपने दिया मोहलत तो ये सर एक हफ्ता सर मैं बता रहा हूं, सही नहीं बिल्कुल सर, भाई शांत हो जाइए, पेश करते हैं बाप की अदालत। नमस्कार आदाब, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाप की अदालत में। आज जो महान हस्ती हमारे सामने आने वाले हैं उनका नाम है वीरेंद्र महाराज। मदर फादर लिसन अप, गली गली में शो है बॉस में इतना जोर, एक बार भड़क जाए तो धमकी देगा वो। जी आपने शानदार कलाबाजियां की, आपकी सेहत का आज राज पता चल गया। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाप की अदालत में। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वैसे तो आप इनसे भली भांति परिचित हैं, पर इन जमात का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इनके छाती बैंक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं छाती बैंक के हेडक्वार्टर के सामने खड़ी हूँ। जी ये वही छाती बैंक है जो कि ये दावा करती है कि आपके इस जन्म के कमाए हुए पैसों को आपके अगले जन्म में पहुंचा दिया जाएगा। ये आपके 18 वर्ष पूरे होने के बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग लाइव विद कैमरामैन रवीश कुमार। सबसे पहले आपसे जानते हैं आपने इतने बड़े बैंक का नाम छाती बैंक क्यों रखा? जी देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब मैं छोटा था ना तो मेरे जो ताऊजी थे वो मुझसे हमेशा कहा करते थे, बेटा इतना पैसा कमा के क्या करोगे, छाती पे ढोके अगले जन्म तक थोड़ी ले जाओगे। बस वहीं से मुझे ये आइडिया आया और छाती बैंक की उत्पत्ति हुई। देखिए आज तो आप लोग जानते ही हैं, स्विस बैंक के बाद जिस बैंक का नाम लिया जाता है वो कौन सा बैंक है, आपका प्यारा छाती बैंक। तो बस यही था। जी शानदार सोच रही आपकी और आपके ताऊजी की भी। तो आप पे सबसे पहला इंजाम ये है कि आपने आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश दुबे के सवालों का सही जवाब नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए शर्मा जी, कोई गली का कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, बस वही हमारे बैंक के साथ भी हो रहा है। और हमारा छाती बैंक किसी हाथी से कम है क्या? आपकी कोर्ट में पेशी है अगले हफ्ते, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल तैयार है। जी देखिए, जाने को तो मैं कोर्ट में जा सकता था,
लेकिन मेरी अगले हफ्ते इंटरनेशनल बैंकिंग की कॉन्फ्रेंस है स्वीडन में, तो मैं तो वहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे जो MD हैं मिस्टर चतुर रामलिंगम, वो वहाँ पे बिल्कुल उपस्थित रहेंगे और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। उनके रहते हुए हमारे बैंक पे कोई आंच नहीं आ सकती, हम वो केस पक्का जीतेंगे। आपको आपकी अगली पेशी के लिए ऑल द बेस्ट। ये दोस्ती आपने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। अब आइए जानते हैं जनता की राय। अब मैं आपको मिलाना चाहूंगी कुछ उन लोगों से जिनकी पूरी जिंदगी शादी बैंक ने रातों रात बदल दी। तो जी, हमने सुना है कि आप इसी झोपड़पट्टी में रहा करते थे और अब आपके पास आलीशान मकान है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पर हम कहना कुछ ज्यादा नहीं चाहेंगे। बस ये जो भी हुआ है ये सब मेरे लड़का की वजह से हुआ है। ये फरिश्ता है हमारे लिए और सबसे बड़ा देवता ये छाती बैंक है, जिन्होंने हमें 92 लाख रुपया देकर हमें जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर कर दी है और हम पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। वरना हम कहाँ इस झोपड़पट्टी में रहते थे। अब हमारे पास वो कार है, बंगला है, हमारी दुनिया ही बदल गई है। भाई, जो भी ये बोला है, जो भी ये केस किया है, बहुत गलत किया। छाती बैंक वाले किसी का कभी बुरा किए ही नहीं। इस दुबे ने केस करके छाती बैंक पे बहुत गलत काम किया है। वो जो भी हो, उसको मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। छाती बैंक पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास है। तो अब मैं आपको मिलाना चाहूंगी कुछ उन लोगों से जिनकी रोजी रोटी छाती बैंक के भरोसे चल रही है, तो जानते हैं। आओ बेटी, तुम्हें बताएं मिलेंगे कितने छाती से। घूमोगी तुम घोड़े पे या घूमोगी तुम हाथी पे? अरे नहीं नहीं पंडित जी, मुझे हाथी दिखाना, मैं तो 21 की हो चुकी हूँ। मैं तो रिपोर्टर हूँ, आपसे जानना चाहती थी क्या फिर धंधे से कमा कितना लेते हैं आखिर। धंधा नहीं है ये हमारा कर्तव्य है पंडित जी। चलिए धंधा नहीं ना जी, बट इस कर्तव्य से आप कितनी आमदनी कमा लेते हैं? कमाई छोड़िए, बस इससे हमारा 2 वक्त का रोजी रोटी मिल जाएगा, बस यही काफी। अच्छा, हमारा फीस 500 रुपये। 500 रुपये किस बात का पंडित जी? 2 वक्त की रोजी रोटी। जी देखिए, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में खुद ही दिखा दिया कि लोगों को छाती बैंक पे कितना भरोसा है, और ये भरोसा हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे और इंशाअल्लाह हम केस जीतेंगे। शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आशा है आप समाज कल्याण के मार्ग में अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। अब आप निकल सकते हैं। इतना उदास क्यों है यार? केस जीतना मुश्किल हो चुका है बहुत ज्यादा। अरे भाई, मेरी माँ कहती थी जब तक तेरी हार सिद्ध ना हो जाए तब तक तू कभी हार मत मान। फिर तू क्यों इतना उदास है? क्या बोला? हार मत मान। इससे पहले जब तक तेरी हार सिद्ध ना हो जाए। हार सिद्ध ना हो जाए क्या हुआ? अबे सही कह रहा, सिद्ध ना हो जाए जब तक। सस्ते की हार तो कभी सिद्ध नहीं हो सकती। चल। हाँ तो दुबे जी, मुकदमा शुरू किया जाए। जी जज साहब। साहब, आज का मुकदमा मैं शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आम आदमी अरविंद खेसरी लाल को। इजाजत है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जज साहब। और खेसरी लाल जी, घर बार सब बढ़िया चल रहा है? बस वकील साहब सही है। ये बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं? वकील साहब 7 हैं। 7? 7 हैं। अरे 4 और होते तो क्रिकेट टीम ना खड़ी कर लेते अपनी। जी वकील साहब, हमने तो हम 2 और हमारे 2 का ही सोचा था, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा 18 वर्ष का हुआ तब छाती बैंक से हमको 25 लाख मिले। इसी आस में हमने 5 और बच्चे कर लिए। अब छाती बैंक से हमको उसके बाद 58 ना मिली। अब जज साहब, आज 7 बच्चों का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। अब आप जा सकते हैं। जी जज साहब। ये समस्या सिर्फ खेसरी लाल जी की नहीं बल्कि आज पूरे आम आदमी पार्टी सॉरी आम आदमी समाज की हो चुकी है। छाती बैंक से पैसे के लालच में आज देश अपनी जनसंख्या की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। मेरे आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि छाती बैंक को तुरंत से तुरंत बंद कर दिया जाए और देश को इस संकट से बचा लिया जाए। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। एक सामाजिक परेशानी को छाती बैंक से जोड़कर न देखा जाए। ये छाती बैंक ने थोड़ी बोला था खेसरी लाल को 6 बच्चे पैदा करने को।
पाठक जी, आपकी बात भी सही लग रही है, लेकिन दुबे जी की बात भी गलत नहीं है। जज साहब, छाती बैंक की क्रेडिट पिछले 50 साल की रिपोर्ट के अनुसार रही है 625 करोड़ 32 लाख रुपए और इसके डेबिट रही है मात्र 198 करोड़ 65 लाख, जिससे साफ पता चल रहा है कि कितने विशाल स्तर पर छाती बैंक में धांधली हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पे पाठक जी? सर, इनटेक और आउटगोइंग में डिफरेंस तो हो गए, क्योंकि पैसा जमा होने के बाद रिटर्न केवल इंसान रूप में जन्म लेने के बाद ही होता है। जब तक इंसान रूप में जन्म ना हो तब तक खाता धारक के पैसे बैंक में ही जमा रहते हैं। सर, ये जरूरी भी नहीं है कि इंसान हर जन्म में इंसान ही रहे, वो कुत्ता, बिल्ली, मेढक, सुअर इत्यादि भी हो सकता है। जज साहब, अब मैं अपने सबसे बड़े गवाह वेणुगोपाल अय्यर, चीफ साइंटिस्ट इसरो, को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। नमस्कार। तो मिस्टर अय्यर जी, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? या फॉर श्योर, बट आई डोंट बिलीव कि हम किसी इंसान को उसके पिछले जन्म से इस जन्म में पहचान सकते हैं। तो मतलब छाती बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो अरिगा का कॉन्सेप्ट बताया वो आपकी नजरों में गलत है? नो, एक्चुअली आई एम अगेंस्ट इट। ये फेक कॉन्सेप्ट है एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे इसरो और नासा ने ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुका है और हमने छाती बैंक को वार्न भी किया था मगर वो नहीं माने। अंजाम बुरा ही होगा, आप देख लीजिए। तो जज साहब, आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इसरो और नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट ओरिगा के कॉन्सेप्ट को खारिज करते हैं और ये छाती बैंक वाले ओरिगा के कॉन्सेप्ट के नाम पे जनता को कैसे लूट रहे हैं और भारत में आज भी धांधली कर रहे हैं। बाकी आपका फैसला है, आप समझदार हैं, आप सबके हित में फैसला लेंगे, बाकी मेरी तरफ से और कुछ नहीं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जब तक ओरिगा जैसे कॉन्सेप्ट सिद्ध नहीं हो जाते और समाज इसे स्वीकार नहीं कर लेता तब तक छाती बैंक को बंद किया जाता है और इसके सीईओ वीरेंद्र महाजन को धांधली तथा पब्लिक को धोखा देने के जुर्म में 25 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ ही समाज को यह सुझाव देती है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा को समझदारी से देखें। कोर्ट इज अडजर्न्ड। ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ।